हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बिल्कुल आसान तरीके वाले गाजर के हलवे की रेसिपी। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल शादियों के हलवों जैसा टेस्ट होगा इस गाजर के हलवे का। तो चलिए इस विंटर सीजन बना लेते हैं हम गाजर के हलवे की सिंपल रेसिपी। तो फ्रेंड्स, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं गाजर का हलवा। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 किलो गाजर ले लिए हैं और उसको अच्छे से वॉश करके मैंने इसके ऊपर के ऐसे छिलका हटा लिया है। सबसे पहले हम गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। अब तो मैंने एक ये बड़ी परात ले ली है और ये मैंने कद्दूकस ले लिया है, तो जो मीडियम वाला है ये ग्रेटर, इससे हम कद्दूकस करेंगे गाजर को। तो मीडियम साइज से करेंगे। तो हम देखिए सारे गाजर को ऐसे कद्दूकस कर लेंगे, ग्रेट कर लेंगे। गाजर का हलवा बनाने में फ्रेंड्स थोड़ी मेहनत तो लगती है। तो देखिए इसी तरह से हम सारे गाजर को कद्दूकस कर लेंगे। तो ये हमने देखिए सारी गाजर जो है ये कद्दूकस कर ली हैं। तो 2 किलो गाजर हैं ये सारी। तो सब गाजर को देखिए मैंने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा गाजर ये ग्रेटर में रह गया था, मैंने निकाल लिया है। तो अच्छे से गाजर को हमने कद्दूकस कर लिया है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा ली, उसमें 1 चम्मच घी डालेंगे। तो घी अभी मैं कम ले रही हूँ क्योंकि जब गाजर में से पानी वगैरह सूख जाएगा तो बाद में इसमें हम घी ऐड करेंगे। तो 1 चम्मच घी डाल लिया है, घी मेल्ट हो गया है। अब इसमें हम अपनी ये कद्दूकस की हुई गाजर डाल लेंगे। तो सिंपल तरीका है बिल्कुल फ्रेंड्स ये गाजर के हलवा बनाने का। तो ये देखिए अभी हम गाजर इसमें डाल के और इसका पानी सुखा लेंगे सबसे पहले, जो गाजर में पानी होता है, और इसको पका लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने घी डालकर और ये सारी गाजर इसमें डाल ली है, मिक्स कर लेंगे अच्छे से इसको, अच्छे से इसको चला लेंगे हम ऐसे। तो गाजर को देखिए मैंने अच्छे से इसमें डालकर ऐसे मिक्स कर लिया है और इसको अब हम पकाएंगे। तो पकने में काफ़ी टाइम लगता है ये, तो लगभग 1 घंटा लग जाता है। अब इसको ढककर हम इसको पका लेंगे। तो इसमें से देखिए अब मैंने इसको ढक दिया था, इसने पानी छोड़ दिया है। तो ये ऐसे ही इसको पकाएंगे, बीच बीच में ढक के इसको खोल के चला के। अभी इसमें पानी है गाजर में, तो अभी हम इसको फिर से ऐसे चला के फिर से ढक देंगे। तो ये मैंने गाजर देखिए चला दी है और अब इसको हम फिर से ढक्कन लगा के पकाएंगे। फिर से इसको हम खोल के एक बार चेक करेंगे। तो देखिए अब इसमें गाजर का जो पानी है वो सूख गया है। तो ऐसे ही मैंने 4 से 5 बार इसको खोल के चलाते हुए ढककर पकाया है और इसका पानी सूख गया है। अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो देखिए मैंने 1 गिलास और 1/2 गिलास दूध डाला है इसमें, और ये मैंने मलाई डाल दी है थोड़ी सी। मलाई और दूध में जो हलवा है उसको पकाने से हमें, अगर इस आप इसमें खोया नहीं डाल रहे हैं तो उसकी ज़रूरत नहीं होती है, इसी से अच्छा टेस्ट आ जाता है हलवे में। तो ये मैंने मिक्स कर दिया है देखिए दूध और मलाई को हलवे में। तो अब इस जो दूध है इसको इसमें पकाएंगे हम गाजर को। तो अब ये मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको हम फिर से ढककर पका लेंगे जब तक ये दूध नहीं सूख जाता। तो अब फिर से मैंने देखिए ढक्कन लगा दिया है और अब इसको फिर से चेक करेंगे। तो दूध अभी नहीं सूखा है, तो अब इसको पकाएंगे हम दूध के साथ गाजर को। तो वैसे तो फ्रेंड्स इंस्टेंट हलवा भी बन जाता है कुकर में गाजर को पका के, लेकिन जो इसका टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है हलवे का। तो ये देखिए फिर से मैंने खोल के एक बार चला लिया है। अब दूध इसमें है थोड़ा सा, अब इसको मैं खोल कर ही पकाऊंगी ताकि दूध सूख जाए। अब दूध सूख गया है तो मैं यहाँ पर चीनी ऐड कर दूंगी। तो मैंने 1 1/4 बाउल इसमें चीनी ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी ऐड कर सकते हैं। तो चीनी को भी मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे फिर से। तो देखिए मैंने चीनी अच्छे से मिक्स कर ली है इसमें। तो चीनी मिक्स करने के बाद इसमें मैं इलायची डाल दूंगी। तो मैंने 1/3 टीस्पून इलायची कूट के इसमें डाल ली है और उसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो अभी चीनी डालने के बाद ये थोड़ा सा और गीला हुआ है, तो अब इसको हम सुखाएंगे जो इसमें पानी है। अब इसको हम सुखा लेंगे फिर से ढक्कन लगा के। तो देखिए अब ये सूख गया है बिल्कुल। तो हमारा हलवा भी पक गया है और इसका जो दूध और पानी है सब सूख गया है इसमें। देखिए बिल्कुल ड्राई हो गया है हलवा, इसमें दूध और पानी बिल्कुल सुखा लिया है हमने, और हलवा भी जो हमारी गाजर है वो पक गई है अच्छे से। तो अब हम एक कढ़ाई फिर से चढ़ा लेंगे और इसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डालूंगी। तो घी को हम इस टाइम पे डालेंगे ताकि इसमें अच्छी खुशबू आए घी की। अगर हम पहले डालते हैं तो वो पानी
के साथ पकते पकते घी का स्मेल ख़त्म हो जाती है। और यहाँ पर देखिए मैंने बादाम ले लिए हैं बीच में से कट करके, इसको रोस्ट कर लेंगे थोड़ा सा हम हलवे में डालने के लिए। तो घी गर्म हो गया, इसमें डाल के हम इसको रोस्ट करेंगे। तो बादाम देखिए थोड़े से रोस्ट हो गए हैं, अब इसमें मैं थोड़ी सी किशमिश डाल लूँगी, किशमिश को भी रोस्ट कर लेंगे देखिए। और किशमिश हमारी फूल गई है, और अब ये हमारे जो बादाम और किशमिश है रोस्ट हो गए हैं, इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और हलवे में डालेंगे इसको हम ऊपर से। तो मैंने निकाल लिया है देखिए एक प्लेट में, और अब इसमें हम अपना हलवा डाल देंगे, घी में हलवा डाल देंगे गर्मा गर्म। तो सारा हलवा डाल देंगे, बहुत अच्छा टेस्ट आता है फ्रेंड्स इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल तरीका है, बस इसको पकाने में ही टाइम लगा है, बाकी इसमें और कुछ नहीं किया है हमने। और देखिए अच्छे से मिक्स करेंगे घी में। तो 2 किलो गाजर से हमारा इतना हलवा बनकर तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अच्छे से मैंने देखिए घी में मिक्स कर लिया है हलवे को। अगर इसमें आप खोया नहीं डालना चाहते हैं तो ऐसे भी खा सकते हैं, ऐसे भी बहुत टेस्टी है ये हलवा, लेकिन हम इसमें थोड़ा सा खोया डाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम खोया ले लिया है, इसको ऐसे डाल लेंगे और इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा गाजर के हलवे का। तो इस तरीके से देखिए मैंने ऊपर से खोए को तोड़ के डाल लिया है, और ये ड्राई फ्रूट्स भी डाल लेंगे इसमें रोस्ट किए हुए। खोया और ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल लिया है हमने, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हलवे में। तो फ्रेंड जितना ये हलवा देखने में टेस्टी लग रहा है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है। आप भी इसको जल्दी से बनाइए और खिलाइए सबको। तो देखिए मैंने मिक्स कर लिया है खोए को और ड्राई फ्रूट्स को, तो हलवा हमारा बनकर रेडी है। हलवे को सर्व करेंगे तो हमारा टेस्टी सा हलवा बनकर रेडी है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया है हमने इसको, जो पहली बार बना रहे हैं वो भी इस हलवे को बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप भी इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा। ऊपर से थोड़ा सा मैं इसमें खोया डाल दूंगी और ड्राई फ्रूट्स, तो हमारा हलवा बनकर रेडी है फ्रेंड्स। इस सिंपल और टेस्टी से गाजर के हलवे की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए आने वाली वीडियो का। थैंक यू फॉर वॉचिंग।